दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा छोटा सा गार्डन जो मेरा घर के सामने है, कुछ पुटियाँ, कुछ गेंदा और तरह तरह के कुछ और भी फूल के पौधे लगाया हूँ। आप गार्डन देखिए, बहुत छोटा सा गार्डन, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कैसा लगा आपको। दोस्तों इधर से शुरू करते पिटूनिया, ये वायलेट कलर का और कुछ बिगोनिया है, और देखिए सफ़ेद पिटूनिया। एक एक गमले में कम से कम भी 40-50 पिटूनिया आप देख पाएंगे, और बहुत बहुत तरह के पिटूनिया, बिगोनिया। और इधर कुछ मिर्ची के पौधे हैं, और देखिए क्या मिर्ची लगी है, बिल्कुल बहुत बहुत तरह हरी तरी मिर्ची है। और इस तरह का देखिए पिटूनिया का कलर ऑप्शन, देखिए क्या शानदार कलर ऑप्शन है पिटूनिया में। ये तो गार्डन जो है, ये मेरे घर के सामने छोटी सी जगह है, पानी की टंकी है, इसके ऊपर हमने बना रखा है छोटी सी जगह पर। हमारे पास घर में और कोई ज़्यादा जगह है ही नहीं कि हम कुछ धनिया देख रहे हैं इधर। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आपके सदाबहार के पौधे हैं, और कुछ इधर पिटूनिया के और भी पौधे। और ये मिर्ची, लाल लाल मिर्चियाँ लग रही है, और जो इधर देख रहे हैं आप नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन है। और इधर ये देखिए कुछ गेंदा के पौधे हैं यहाँ पर, और पीछे साइड में भी कुछ हमारे पास कुछ एडिनियम्स है, और बहुत सारे फ्रेंच मेरीगोल्ड है, कुछ डहलिया है। डहलिया में कुछ पौधे में तो फूल खिले हैं, और कुछ में अभी खिलना बाकी है, तो डहलिया का फूल खिलेगा। इधर फिर से वापस आते हैं पिटूनिया में, इधर आपको मैं एक सीन दिखाता हूँ तरह तरह की। और ये धनिया देख रहे हैं, धनिया धनिया इस साइड में भी कुछ है, और ये देख रहे हैं आपको कुछ, ये देखिए इम्पेशेंस का फूल के पौधे हैं। इम्पेशेंस अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे ग्लास में, ये पपीता के बीज हमने लगाए हैं। पपीता भी बहुत जल्दी, कोई भी फ्रेश बीज हो, पपीता के बीज आप लगा लेंगे तो आप बहुत आसानी से पपीता के बीज से भी पौधे बना सकते हैं, और बिगुनिया भी लगा सकते हैं। बिगुनिया सारी सर्दी भर बहुत अच्छा फूल देता है। ये पिटूनिया के पौधे मैं आपको देता हूँ, और इधर आपके और भी कम से कम भी 10-12 हमारे पास सीजन फ्लावर प्लांट्स हैं, कुछ कुछ लगा रखे हैं। ये मिर्ची का देखिए एस्टर है, और एस्टर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया इस बार, लेकिन एस्टर भी है। डहलिया का फूल काफ़ी सारे खिल गया पीछे आप देख रहे हैं, और कुछ कलियाँ इसमें आई है और वो भी खिलेगा। और कुछ इसके पास कैक्टस भी है कुछ इधर, और ये साइड से मैं दिखाता हूँ आपको, एक लुक आप देखिए पूरा। और ये छोटा सा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है, छोटी सी जगह में। अगर आपके पास 4x4 फुट जगह है तो इस तरह के आप बागान बना सकते हैं, कुछ हैंगिंग बास्केट्स में, कुछ पुराने बास्केट्स में, थारी तरह के बास्केट्स हो, बकेट हो, जो आपके पास पुरानी हो उसको यूज करके। मेरे पास वीडियो है चैनल में, आप देख लीजिएगा कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको यूज करके आप छोटे से गार्डन बना के महका सकते हैं, और आपको जो छोटी सी ख्वाहिश है आप बागान बनाने की, ये पूरी कर सकते हैं। और ये देखिए मैं नज़दीक से फूल का नज़ारा एक बार फिर दिखाता हूँ, और ये शाम के वक्त का नज़ारा है, सुबह देखेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारे मधुमक्खियाँ भी आती है। तो ये रहा पूरा बगान मेरा छोटा सा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।